पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूँ कि कल मुझे बोलने दें। आज एक मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद एक मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया, और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री, जो अदानी जी का मुद्दा है, उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे, और ये मेन बात है। मैं MP हूँ तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन MP वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आई विल से इट इन इंग्लिश। आई वेंट टू पार्लियामेंट दिस मॉर्निंग विद द आइडिया ऑफ पुटिंग व्हाट आई हैव सेड और व्हाट आई फील ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। 4 ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him, and I said, look, I would very much like to speak. I told him that people from the BJP have made allegations against me, and as a member of Parliament, it is my right to speak. He was non-committal. In his way, he smiled. But I'm hopeful that I will be allowed to speak tomorrow. What is going on here? This story started the day I gave my speech in Parliament about Mr. Adani. And I asked some fundamental questions to the Prime Minister about his relationship with the businessman, about how Mr. Adani has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship, how he's been given the Bombay airport, other airports, how rules have been changed to allow him to be given these things, what happened in Australia between the Prime Minister, Mr. Adani, and the chairman of the State Bank, and the one of the
chief ministers of one of the states in Australia. That's a picture that is visible to everybody. Why is the Prime Minister of India sitting with the state bank chairman and Mr. Adani and an Australian leader? What is he discussing? And why, after that discussion, is almost $1 billion pledged by the state bank to Mr. Adani? What was said in Sri Lanka? Why Mr. Rajapaksa, a person has made a statement saying Mr. Rajapaksa told him that Mr. Adani was given the contract and it was basically Mr. Modi who told him. The same in Bangladesh. So these are relevant questions. And the whole idea is that these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of 4 or 5 ministers, the Prime Minister giving a speech to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the Prime Minister of India and Mr. Adani and his companies, and more importantly, whose money is in these shell companies? Who is this unknown person whose money is in these shell companies? What is his relationship with Mr. Adani? These are the questions. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for you. One minute, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in parliament. So, please, let him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. So thank you. Thank you very much. Thank you. तो राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं एक सांसद हूं और संसद में जवाब देना ये मेरा अधिकार है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सरकार के 4-4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने प्रश्न खड़े किए, और इसलिए मैं चाहता हूं इस पूरे मामले पर मैं सदन के भीतर ही जवाब दूं। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस वक्त पूरा तमाशा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सरकार के आरोपों का मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन सदन में वो बोलना चाहते हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं उन्हें ये मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो जैसे आज सदन में गए, 1 मिनट के अंदर अंदर कार्यवाही स्थगित कर दी गई, और वो चाहते हैं सदन के भीतर वो बोलें और वो जवाब दें। उन्होंने अडानी पर एक बार फिर से आरोप लगाया कि शेल कंपनियों में आखिर किसका पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आइए एक बार फिर आपको बताते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री, जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ,
तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जवाब जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। तो एक बात तो तय है, राहुल गांधी अपने कहे हुए किसी भी बयान पर माफी तो कम से कम नहीं मांगने वाले, और संसद के पटल पर ही अपना बयान रखना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।